इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर रोज़ एहतजाज यहाँ पर होता जा रहा है, स्वर्ण सौदा के यहाँ इहाते में हम यहाँ मौजूद हैं और करीब ही जो है यहाँ यूथ कांग्रेस के कई सारे सैकड़ों नौजवान यहाँ पर रोज़गार को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, तमाम मसले को लेकर यहाँ पर मोदी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। कर्नाटक के बम्बई हुकूमत के खिलाफ भी उन्होंने एहतजाज किया। लिहाजा यहाँ पर काफ़ी देर तक पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान तनाज़ा रहा, बहस हुई, लेकिन अंदर जाने से पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आखिर में सतीश जारकीहोली आने के बाद यहाँ पर नौजवानों ने इस एहतजाज को यहाँ पर पीछे लिया है, लिहाजा इन्हें अंदर जाने से रोका गया। देख सकते हैं किसी तादाद में यहाँ पर पूरे पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा आज बहुत बड़ा एहतजाज जुलूस यूथ कांग्रेस की जानिब से किया। आइए इस पर देखते हैं इसके तस्वीर। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧವನ್ನು ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಮೋದಿ ಜಿ ನೌಕರಿ ದೇಂಗೆ देने में नाकाम रहे हैं जी सर। उसके लिए उसका विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट मोर्चा निकाला है और उनका याद दिला रहा है आपने जो वादा किया था नहीं निभाया, इसके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं नहीं, ये चुनाव में जो कामयाबी आप लोगों मिली है कांग्रेस को, तो उसी के मद्देनजर ये शक्ति प्रदर्शन था क्या? नहीं नहीं, वो अलग है, ये अलग है, क्योंकि इसका ये उसका कुछ लेना देना है, वो तो हम बहुत कामयाब हुआ है। आप 2023 में कामयाब ये फिर से हुकूमत में आने की बात कर रहे हैं, तो हम फिर कोशिश करेंगे।